वेलकम दोस्तों, एक्सेल की क्लास में आपका स्वागत है। मैं मोहित लूथरा। आज हम सीखेंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के होम मेनू में एक ऑप्शन आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये बहुत उपयोगी ऑप्शन है और इसका प्रयोग डेटा को एनालाइज करने के लिए, डेटा का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है हाईलाइट सेल्स टूल्स, ये हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था और इस वीडियो में हम बाकी के ऑप्शन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस ऑप्शन को यूज़ में लेने के लिए सबसे पहले मुझे कुछ नंबर टाइप करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं 10 से लेकर के 100 तक के नंबर लिख लेता हूँ। तो चाहे तो हम इसको ड्रैग भी कर सकते हैं इस तरह से, या आप मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं। अब इसे सेलेक्ट करके रखना है और कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। टॉप एंड बॉटम टूल्स पे जाना है। टॉप 10 आइटम्स पे क्लिक करना है। ऐसा करने से एक डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ से हम वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं, आप कितनी वैल्यू देखना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5। और यहाँ से हम कलर ले सकते हैं कि कौन सा कलर आप देखना चाह रहे हैं। मैंने ले लिया ग्रीन कलर। तो अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर तो आपको 5 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, अलग से हाईलाइट हो रहे हैं जो, और ग्रीन कलर में आ रहे हैं। और ये वो नंबर्स हैं जो कि टॉप हैं, मतलब सबसे हाईएस्ट नंबर स्क्रीन पर, सबसे जो हाईएस्ट नंबर हैं वो ये नंबर हैं। तो कहीं पे भी इस रेंज में अगर आप इसको हाईएस्ट नंबर मिलेगा तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कोई और वैल्यू लिख दी मैंने, तो ये देखिए अपने आप हाईलाइट हो गया। 60 था, वो 60 यहाँ से हट चुका है क्योंकि 5 नंबर ही लेने हैं। तो 5 नंबर यहाँ पे हाईलाइट जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से हाईएस्ट नंबर अगर हमें देखना हो कि सेलेक्टेड रेंज में, तो कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं भाई आपको कितने नंबर देखने हैं। 5 देखने हैं, 2 नंबर ही आपको देखने हैं। जैसे आपको देखने हैं 2 नंबर कौन से जो सबसे हाईएस्ट है, 3 नंबर कौन से वो हाईएस्ट है, वो आप देख सकते हैं यहाँ से। और देखने के बाद अगर आपको फॉर्मेटिंग हटानी है, नॉर्मल करना है पहले, तो आप कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाइए, क्लियर रूल्स में जाके क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल पर क्लिक कर दीजिए। तो सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी। नंबरों को दोबारा अरेंज करने के लिए ड्रैग कर लेते हैं इस तरह से। इसी तरह टॉप 10%, ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग बताएगा जैसे कितने परसेंट आपको देखना है। जैसे मैंने लिख दिया 50%, तो 50% नंबर सेलेक्ट हो जाएंगे जो सबसे बड़े हैं। 50 नहीं देखना चाह रहे, 20 देखना चाह रहे तो 20 लिख दीजिए। तो यहाँ पर अब देखो, क्योंकि 10 नंबर है तो 10 का 20% 2 होता है, इसलिए यहाँ पे 2 नंबर जो हैं वो सेलेक्टेड हो गए हैं, अपने आप अलग कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे 2 लिखा था, 2 जो 20% लिखा था, तो 20 में यहाँ पे 10 नंबर का 2 आते हैं। तो 2 वैल्यू हम यहाँ पे देख सकते हैं। और ये वो नंबर बताएगा जो सबसे हाईएस्ट है, चाहे वो कहीं पे भी लिखे हुए हों। जैसे 150 लिख दिया, अब 100 और 150 से हाईलाइट हो गए क्योंकि ये हाईएस्ट वैल्यू है। तो हाईएस्ट वैल्यू को हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं। कंडीशन हटाने के लिए क्लियर रूल का यूज़ करेंगे, कंडीशन हट जाएगी। और नॉर्मल करने के लिए आप इसे ड्रैग कर लीजिए। तो पहले से जैसी सीरीज आ जाएगी। अगले ऑप्शन के लिए हम जाएंगे बॉटम 10 आइटम। तो इससे हम छोटी संख्या देख सकते हैं, वो संख्या जो सबसे छोटी है। अब वो कितनी आपको देखनी है वो आप देख सकते हैं। भाई मुझे तो मान लीजिए 1 की संख्या देखनी है सबसे छोटी, तो 1 लिख दीजिए। आप चाह रहे मुझे तो 5 संख्या देखनी है, तो 5 लिख दीजिए यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया और ओके किया। तो 5 संख्याएं ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगी जो सबसे छोटी हैं। अब वो कहीं पे भी हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो देखिए 5 संख्या यहाँ पे सेलेक्ट हो गई, चाहे वैल्यू कुछ भी हो। फॉर्मेटिंग हटाने के लिए आप क्लियर रूल कर सकते हैं यहाँ से। और नॉर्मल करने के लिए इसको हम ड्रैग कर देते हैं, तो ये ड्रैग हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन है वो है बॉटम 10। तो इससे छोटी संख्या है, आप देख सकते हैं 10 सबसे छोटी है संख्या दे रखा है अभी बाय डिफॉल्ट। मैं 5 कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो 5 सबसे छोटी संख्या जो है अपने आप आपको कलरफुल दिखाई देंगी। इसी को परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखना है, तो बॉटम 10%, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया 70%। तो 70% में वो मैंने एरिया सेलेक्ट नहीं किया, एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं और पहले वाली फॉर्मेटिंग भी हटा देते हैं। ये फॉर्मेटिंग हटा ली मैंने। और अब हम जाएंगे इसमें
बॉटम 10%, ठीक है। अब कितनी परसेंटेज आपको देखनी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। देखिए मैंने 50 तो आधी संख्या है, और करना चाह रहे हैं जैसे 10 लिख दिए तो 10%। अब ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग बता रहा है। आपको मान लीजिए 25% देखना है तो 25% आप दे सकते हैं। तो इस तरह से हम सबसे छोटी संख्या देख सकते हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग। क्लियर रूल से हम इसको हटा सकते हैं। इसी तरह अगर आपको एवरेज देखना है, अबव एवरेज, वो संख्या जो एवरेज से बड़ी है, इन संख्याओं का एवरेज कितना, वो आप नीचे दे सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर 55 इनका एवरेज होगा, यानी औसत। तो जो संख्या औसत से बड़ी है आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं। ये देखिए 55 से बड़ी, 60, 70, 80, 90, 100, ये सब 55 से ग्रेटर है, एवरेज से बड़ी है। तो हम देख सकते हैं एवरेज से बड़ी संख्या कौन सी है। हटाने के लिए हम इसको क्लियर रूल कर सकते हैं, हट जाएगी कंडीशन। नई कंडीशन लगाने के लिए अब है बिलो एवरेज, वो संख्या जो एवरेज से छोटी है। तो एवरेज से छोटी संख्याएं कौन सी हैं, ये सारी छोटी हैं। जब ये बड़ी थी 55 एवरेज है तो ये ऑटोमेटिक छोटी होंगी। तो ऑटोमेटिक हम देख सकते हैं कि छोटी संख्याएं कौन सी हैं एवरेज से। तो रिजल्ट वगैरह बनाने में कई बार ये काफ़ी यूजफुल होती हैं। हटाने के लिए क्लियर रूल, रूल्स मैंने हटा दिए। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है डेटा बार। तो डेटा बार आप लगा सकते हैं ऐसे, जिस रंग में चाहें उस रंग में आप डेटा बार लगा सकते हैं। तो डेटा बार में आप देखें तो जहाँ पे वैल्यू छोटी है वहाँ पे बार छोटी आ रही है, जहाँ नंबर या वैल्यू बड़ी है वहाँ पे बड़ी बार आ रही है। आप चाहें तो वैल्यू चेंज करके दे सकते हैं। जैसे मैंने 120 लिखा है यहाँ पे, तो देखिए इसकी बार सबसे बड़ी हो गई क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे बड़ी है। हम सीख रहे हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग, और कंडीशन फॉर्मेटिंग में आगे हम देखेंगे कलर स्केल का कैसे यूज़ करते हैं। कलर स्केल अगर हमें यूज़ लेना है तो उसके लिए हमें कुछ नंबर लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पे नंबर लिख रखे हैं, मैं इन नंबरों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद जाऊँगा कंडीशन फॉर्मेटिंग पे और कलर स्केल्स पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए अलग अलग कलर का कॉम्बिनेशन दे रखा है, आप किसी भी कॉम्बिनेशन को आप ले सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला कॉम्बिनेशन लिया, तो इसे आप देखें तो आप देखेंगे कि जो छोटी संख्या है वहाँ पर डार्क ग्रीन है, फिर वैल्यू बढ़ती जा रही है तो कलर थोड़ा लाइट होता जा रहा है, लाइट होता जा रहा है, बिल्कुल लाइट हो गया यहाँ पर। फिर तो यहाँ पर कलर चेंज हो गया, रेड कलर आता जा रहा है, और लास्ट में जहाँ बिगेस्ट वैल्यू है वहाँ पर कलर बहुत ज़्यादा डार्क आ रहा है। तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी वैल्यू चेंज होगी तो ऑटोमेटिक कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज होगा। जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दिए, तो देखिए तो जहाँ पर वैल्यू ग्रेटर थी वहाँ पे रेड कलर आ गया, और जहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर है वहाँ पे ग्रीन कलर आ गया। आप कोई भी नंबर चेंज करके देख सकते हैं। तो इससे हमें आसानी से पता कर सकते हैं कि कहाँ पर बिगेस्ट नंबर है, कहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर है। छोटी बड़ी संख्या का तुरंत पता करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी कंडीशन फॉर्मेटिंग है। कलर लगा सकते हैं कंडीशन के आधार पर। हटाने के लिए इसको हम क्लियर रूल कर देते हैं। ये देखिए हट गया। नंबर को पहले ऐसा मैं सेट कर देता हूँ ड्रैग करके। इसके बाद है आइकन सेट। यहाँ से आइकन हम सेट कर सकते हैं। ये देखिए अलग अलग तरह के आइकन्स हैं। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए डाउन रेड आइकन आ रहा है, जबकि बिगेस्ट नंबर के लिए ग्रीन कलर का अप एरो आ रहा है। तो अगर कंडीशन हटाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से हटा सकते हैं। क्लियर रूल्स। तो इस तरह से इसमें कई सारे आइकन हैं, कोई से भी आप आइकन यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए लाइटिंग सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें नंबर वैल्यू कम है तो रेड आइकन दिख रहा है, और वैल्यू ज़्यादा है तो ग्रीन आइकन आ रहा है। कंडीशन को हटाना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, तो पहले क्लियर रूल करेंगे, और उसके बाद दूसरी जो भी कंडीशन आपको लगानी है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। सिंबल से लगा सकते हैं आप चाहें तो, और कलर लाइटिंग पैनल लगा सकते हैं, एरो बना सकते हैं। तो जो भी आप चाहें इनमें से यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चार्ट लेना चाहें चार्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। वैल्यू स्मॉलेस्ट है तो चार्ट बिल्कुल ब्लैंक या कम कॉलम सेलेक्टेड आ रहे हैं, और वैल्यू अगर ज़्यादा है तो चार्ट ज़्यादा शो कर रहा है। अगर वैल्यू चेंज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये देखिए चार्ट की वैल्यू फिल कर देगा, ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से हम वैल्यू के आधार पर चार्ट भी शो कर सकते हैं स्क्रीन पर।
तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन बेहद यूज़फुल है। हटाने के लिए इसको हम क्लियर फॉर्मेटिंग कर देते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कंडीशन फॉर्मेटिंग का कैसे यूज़ करते हैं।